नमस्कार दोस्तों, टूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक और खास मंत्र बताने वाली हूँ, जो कि काफी पावरफुल आकर्षण मंत्र है, जिसे करते ही इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आप लोगों को जरूर दिखेगा। देखिए, हम लोग किसी को जब मंत्र का प्रयोग करते हैं या फिर किसी के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं, चाहे वो व्यक्ति बीमार है, चाहे वो व्यक्ति दूर है, चाहे वो व्यक्ति हमसे नाराज है, तो कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं, लाइक आकर्षण मंत्र का उपयोग करते हैं, रिश्तों को सुधारने के लिए मंत्रों का उपयोग करते हैं और अपने को हील करने के लिए भी हम लोग मंत्रों का उपयोग करते हैं। मैं हमेशा से बहुत जोर देती हूँ कि मंत्रों से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर ही हम लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसलिए मंत्रों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि देखिए, मंत्र जो है ये वाइब्रेशन है और जिसे समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर भगवान का एक अलग अलग मंत्र है, लेकिन यहाँ आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन से मंत्र करने से आप लोगों को लाभ मिलता है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक उसी तरीके से आज का जो मंत्र है, ये बीज मंत्र है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है। ठीक उसी तरीके से जब मैंने आप लोगों को बताया था क्लीम मंत्र के बारे में, तो उस वक्त भी आप लोग हताश थे, उस वक्त भी आप लोग एक ऐसे बुरे दौर से गुजर रहे थे जिस वक्त आप लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी वक्त आप लोगों के सामने क्लीम मंत्र का जो वीडियो था शायद आया हो, और उसके बाद से आप लोग हर किसी ने ट्राई किया होगा और इसका रिजल्ट भी इतना अच्छा आता है कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब लोग थैंक्स भरकर मेरे को दे रहे हैं कि मैम, क्लीम मंत्र करके हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आए हैं, थिंकिंग में चेंजेस आए हैं, सोच में चेंजेस आए हैं, अपनी दिन की जो भी हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी रूटीन होती है उसमें चेंजेस आए हैं, और साथ में हम कभी किसी के साथ हो सकता है बुरा रिलेशन में थे, वो भी रिलेशन धीरे धीरे हील हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दे रही हूँ कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक नंबर जो प्रोवाइड किया हुआ है वो नंबर सिर्फ ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। आप उसमें अपने रिव्यूज भेज सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन है वहाँ पर पूछ सकते हो। मुझे बहुत सारे थैंक्स के मैसेज तो आते ही हैं, और साथ में क्या होता है कि वहीं पर आंसर देने के लिए भी बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं। तो देखिए, मैंने ये नंबर इसलिए प्रोवाइड कराया कि ताकि आप लोग अगर कंसल्टेशन चाह रहे हैं या फिर मुझसे हीलिंग रिलेटेड कोई बात करना चाह रहे हैं, तो उसको देखने के लिए मेरा एक असिस्टेंट है, तो वो उस नंबर को वो डील करता है, सारी प्रोसेसिंग के बाद वो मेरे तक आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझा कीजिए, आप लोग बहुत देर तक कॉल करते रहते हैं, बीच बीच रात तक कॉल करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो डील करता है उस नंबर के साथ उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो नंबर जो है वो कॉल करने के लिए नहीं है, जब सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही वो नंबर पे मैं बात करती हूँ, ठीक है। वो नंबर मेरे पास नहीं रहता है, तो इसलिए जब कॉल कर रहे हैं तो ये दिमाग में रख लीजिए कि वो कॉल मतलब मैं उस कॉल में नहीं हूँ, तो इसलिए उस उम्मीद के साथ कॉल मत कीजिए। पर यस, मैंने आप लोगों को जैसे कहा है कि रिव्यूज़ मैं ज़रूर पढ़ूंगी, अभी कुछ और रिव्यूज़ देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के नाम के सहित रिव्यूज़ पढ़ूंगी यहाँ पर। और आप लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो वहाँ पर आप लिखिए, मैं उस रिलेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा ना तकलीफ आ जाती है, या फिर रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि हम चाहकर भी उस रिलेशन को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आज जो मंत्र मैं बता रही हूँ, देखिए, ये क्लीम मंत्र के साथ, ये क्लीम मंत्र जो है ये बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र का लाभ आप लोग ऑलरेडी उठा चुके हैं, लेकिन आज साथ में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगी कामदेव मंत्र के बारे में, जिसको यूज करके आप अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं, अपने में कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि लोग आकर्षित होंगे आपसे, है ना। लोग आकर्षित होकर आपके पास आएंगे, अगर कोई रिलेशन कोई रूठा हुआ है आपसे, किसी को मनाना है, तो इस मंत्र के जाप से आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो वो मंत्र है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, नहीं, सबसे पहले उसके बारे में बता दी हूँ दोस्तों। ये जो क्लीम मंत्र है ना, ये एक बीज मंत्र है, और
इसको सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं, इसको धन आकर्षण के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हम लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्लीम मंत्र का जाप। ठीक है, तो लक्ष्मी के लिए क्लीम की उपासना करनी हो तो आप लोग क्लीम का जाप करेंगे तो दिखेगा ही, मतलब हर तरफ से आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा मतलब रिजल्ट आप लोगों को जरूर आएगा। याद रखिएगा कि जब भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो किसी के बुरे के लिए मत कीजिएगा। ठीक है, किसी इंसान को आप अगर सबक सिखाना चाह रहे हैं या फिर किसी से कोई बदला लेना चाह रहे हैं, इस तरह की सोच रखकर अगर आप क्लीम मंत्र का जाप करेंगे या फिर आगे जो मैं मंत्र आप लोगों को बताऊंगी उस मंत्र का जाप करेंगे, तो फिर इसका रिजल्ट आप लोगों पर ही उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि भगवान हमारी नियत देखता है, भगवान हमारी इच्छाएं देखती हैं, उसके बाद क्या होता है कि इस मंत्र का उपयोग हम लोग जब करते हैं तो वो हमारी निष्ठा भी देखती हैं कि हम किस अर्थ से, किस भावना से हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, राइट? तो अगर हमारी भावना ही गलत होगी और हमारी अगर चिंता ही गलत होगी तो क्या भगवान इसको सही ढंग से क्या आप पर क्या बोलूं मैं कि दृष्टि देंगे? दृष्टि नहीं देंगे। तो इसीलिए कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो किसी के अनहित के लिए मत कीजिए, किसी के हित के लिए कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब बहुत सारे रिलेशन ऐसे भी हैं कि जिन लोगों के नाराजगी हो गई है, बहुत दूर चले गए हैं, बात नहीं हो रही है, या फिर किसी और की तरफ उनका मन चला गया है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना ज़्यादा तीखा हो गया है कि प्यार से दो मीठे बोल भी नहीं बोल पाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन अगर है तो ये मंत्र आप ज़रूर कीजिए। वो मंत्र है ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। जी हाँ, ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, जिसको आप उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे। देखिए, कोई भी मंत्र स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मन में आती है कि क्या दीक्षा लेनी जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल दीक्षा लेनी जरूरी है, लेकिन आपको सटीक गुरु का ज्ञान नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप कृष्ण भगवान को ही गुरु मान के या फिर कामदेव भगवान को ही गुरु मानकर उनके सामने शपथ लेकर या फिर संकल्प लेकर आप उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए कि मैं किसी के बुरे के लिए, किसी के खराब चिंतन के लिए मैं ये मंत्र का जाप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए, या फिर मैं किसी से प्यार करता हूँ या फिर किसी रिलेशन को मैं ठीक करना चाहता हूँ, उसी तरीके से मैं इस मंत्रों का जाप करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ठीक है, ये होता है एक प्रोसीजर जो हम लोग मतलब भगवान के सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान क्या है ना कि भगवान एक एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोगों को समझने के लिए उनके उनकी जो शक्ति है ना, उनको शक्ति को समझने के लिए भी हम लोग बीज मंत्रों का जाप करते हैं। और बीज मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र होता है, जिसका जाप करके हम लोग बहुत सारे जीवन में अलग अलग तरीके से चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार होता है तो हम लोग देखते भी हैं, है ना? तो ठीक उसी तरीके से ओम क्लीम कामदेवाय नमः का जाप अगर प्रतिदिन आप सुबह और शाम को 108 बार करते हैं तो इसका रिजल्ट धीरे धीरे आप लोगों को जरूर दिखेगा। देखिए, ये कुछ मतलब तुरंत ऐसा नहीं है कि इसका फल आप लोगों को तुरंत दिख जाएगा, दिख भी सकता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि इससे निष्ठा जरूर रहती है। रिजल्ट के लिए आप लोग पागल मत बनिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, बल्कि आप लोगों को ये सोचना है कि मैं जिस मतलब सच्चाई के साथ इसको कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसी से सच्ची भावना से ही प्यार करता हूँ और किसी को सच्चे दिल से ही चाहता हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर असर हो, उसके लिए ये मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए असर क्या होता है, एक दिन में असर नहीं पड़ता है। एक दिन में असर कब पड़ता है कि जब किसी से हम अट्रैक्शन फील करते हैं, किसी की वाइब्स बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसी की वाइब बहुत प्रेजेंटली बहुत निगेटिव है, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए किसी चीज़ के लिए ना रिजल्ट के पीछे मत भागिए, दिल से निष्ठा से कीजिए तो वो हील होता है, वो रिलेशन बहुत हद तक सही होता है। बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो हम लोग बात करने से मतलब अक्सर मैं आप लोगों को कुछ बताने आती हूँ ना, तो मैं क्या होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो अचानक से याद आता तो लगता है कि अरे इसको बोलना चाहिए था। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं बहुत सारे मंत्रों के बारे में बताती हूँ, लेकिन कुछ ही मंत्र मैं जिसका जिक्र करती हूँ, ये मंत्र खुद में ही इतने पावरफुल मंत्र होते हैं कि जिनका उपयोग आप अपने जीवन में जरूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोग कहेंगे कि क्या मैम हम तो क्लीम का मंत्र का जाप कर ही रहे थे, तो क्या हम
कामदेव का मंत्र भी शुरू करें, अब कौन सा करें, हम कन्फ्यूज्ड हो गए। तो इस तरह की चीज़ें, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप अगर सुबह क्लीम मंत्र करते हैं तो शाम को भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप निष्ठा से कीजिए, दिल से कीजिए, प्यार से कीजिए, तो सारी चीज़ें काम करती है। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम है, जो लोग सोच रहे हैं कि इनका रिलेशन एकदम टूट गया है, कोई आकर्षण फील नहीं करता है हमारा पार्टनर, या फिर उससे हमेशा हमसे मिलते हैं तो झगड़े लड़ाई होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में भी आप क्लीम के साथ कामदेवाय नमः का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान करने से क्या होता है, पता है, किसी भी मंत्र को मैं जब कहती हूँ तो इसको ध्यान के साथ करना चाहिए, क्योंकि ध्यान क्या होता है, ये आरोग्य बनाता है, शारीरिक सुख प्राप्त कराता है, धन ऐश्वर्य देता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आप आराम से पा सकते हैं अगर आप बहुत ही निष्ठा के साथ, दिल से, मन से मंत्रों का जाप अगर करते हैं। तो देखिए, इसको ना कोई खासा नियम नहीं है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर कोई बीमार है, वो बैठ नहीं पा रहा, तो वो लेटे लेटे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर इंसान पूजा करने बैठ रहा है, तो उस वक्त भी आप एक धूप दीप दिया जलाकर आप आराम से इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर कह रही हूँ कि कोई बीमार है तो वो लेटे लेटे भी या फिर चेयर में बैठे बैठे भी वो मंत्रों का जाप आराम से कर सकता है। इससे क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्वच्छता बरतनी चाहिए, शुद्धता बरतनी चाहिए, क्योंकि हम एक एनर्जी से कुछ मांग रहे हैं, वो एनर्जी है। तो एनर्जी क्या कभी नेगेटिव एनर्जी के पास आती है? नहीं आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए, यानी कि साफ सुथरे कपड़े, साफ भाषा, साफ अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को, अपने दिमाग को साफ सुथरा रखने के बाद ही किसी मंत्र का जाप का उच्चारण आप लोगों को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और ये एक नया मंत्र फिर से आप लोगों को दे रही हूँ, इसे करके देखिए, कोई बात नहीं। हाँ, एक बात और कि पीरियड्स के समय मंत्रों का जाप मत कीजिएगा। मन ही मन आप कर सकते हैं, दिमाग से आप कर ही सकते हैं, मन ही मन सोच कर कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण करके, आसन का प्रयोग करके तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर रहे हैं तो ओम क्लीम कामदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे दिल से करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे, तो ये मंत्र जरूर काम करता है। अब एक चीज और इसमें ऐड कर दे रही हूँ कि देखिए, शुक्र बहुत वीक है। शुक्र वीक होता है ना, तो हमारे वैभव में कमी आती है, हमारे लग्जरी लाइफ में थोड़ी कमी आ जाती है, या फिर आपके चेहरे में, आपके पर्सनालिटी में कमी आ जाती है कि लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो कामदेव है ही आकर्षण के, और साथ में कृष्णा मंत्र भी है, बीज मंत्र है कृष्ण माँ काली और कामदेव का। तो ये चीज़ जब आप करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आपके साथ लोग घुलना मिलना चाहते हैं, दुश्मन भी दुश्मनी भूलता है, और साथ में क्या होता है कि शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मन बहुत चंचल है, इसको टिका के नहीं रख पाते हैं, ध्यान से अच्छे तरीके से अपने पास नहीं रख पाते हैं, मन हमेशा भटकता है कि एक जगह पर स्थिर हम कभी नहीं रह पाते हैं, हमेशा कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोचते सोचते चले जाते हैं, कहीं दूसरी ओर चले जा रहे हैं, या फिर ध्यान करने बैठ रहे हो और ध्यान करते वक्त हम सोच रहे हैं कि हमारा दिमाग कहीं और भाग रहा है। तो ऐसे में भी ये मंत्र जो है, ये क्लीम मंत्र जो है, क्लीम कामदेवाय नमः या फिर क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ये हमारे साथ बहुत ही प्यार से इसको हम लोग जब जप करते हैं ना, तो हम लोग एनर्जी को फील करते हैं कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी सुन रहा है, भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।